हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी फैशन ट्रेंड विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ शर्ट में, बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में डाल सकते हैं। ये सभी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बात करते हैं इसके पैटर्न की। इसके जो स्टिचेस है वो 17 के मल्टीपल से होंगे। यहाँ पर मैंने इसके 38 फंदे लिए हैं, 34 फंदे 17 के मल्टीपल से हैं, प्लस 2 फंदे साइड में इसके डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए हैं, और 2 फंदे इसके स्टिच के होंगे। टोटल इसके 38 फंदे होंगे, और ये जो डिज़ाइन है वो 24 रॉ का डिज़ाइन है। 24 रॉ के बाद ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है और फिर से फर्स्ट रॉ से स्टार्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आज हम ये डिज़ाइन सीखेंगे। इसके लिए हम जो फंदे लेंगे वो 17 के मल्टीपल से लेंगे, और यहाँ पर मैंने 17 के मल्टीपल से इसके 34 फंदे लिए हैं, और ये डिज़ाइन हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसके 30, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके 34 फंदे टोटल लगे हैं, और साइड में ये 2 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 2 फंदे स्टिच के लेंगे। टोटल हम इसके 4 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर टोटल मैंने 38 फंदे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। नीचे से इसके लिए हम जब भी आपने ये डिज़ाइन डालना हो तो नीचे से जो भी बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। उसके बाद फर्स्ट रॉ से हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए, ये स्टिच है, इसे कैसे भी उतार लें, ये स्टिच ऐसे उतारेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए उल्टे बनाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 12 फंदे हम इसके सीधे बुन लेंगे। अब क्या करना है, देखिए आगे हमारे पास ये लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं। अब इस साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब एक फंदा है, धागा आगे करेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने एक जाली बनाई है। अब धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन फिर से रिपीट होगा, फिर से पीछे करेंगे और 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फिर से ये लास्ट में 3 फंदे हैं। इस साइड से 2 फंदों का एक फंदा, धागा आगे करके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे, स्टिच भी उल्टा ही। ये देखिए हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इस डिज़ाइन को अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू से लेके एंड तक इसे देखिए, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो दोनों साइड में बनता है। अब देखिए इसकी रॉन्ग साइड, 2 फंदे सीधे, जो सीधी साइड में ये फंदे उल्टे थे, इस साइड में सीधे। अब देखिए ये वाला फंदा, इसके साथ हमने ये जाली वाला फंदा बनाया था इस साइड में। अब इस साइड में इसके जाली वाला जो जाली बनेगी जो, वो इस साइड में बनेगी। पहले हमने इस साइड में बनाई थी, अब रॉन्ग साइड में इस साइड में हर बार इसके एक एक जाली बनेगी। देखिए ऐसे धागा आगे करेंगे और इसे ऐसे सिलाई पर घुमाएंगे और जाली डालेंगे और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये जाली वाला फंदा, इसे भी उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये फंदे, हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया था, अब रॉन्ग साइड में भी 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। बाकी के फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6
आठ, नौ, 10 और 11। अब धागा पीछे करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे। अब यहाँ पर जाली डालेंगे, धागा आगे करके ऐसे सिलाई पर घुमाते हुए आगे लेकर आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर उल्टा फंदा बनाना है, एक फंदा उल्टा, ये जाली वाला भी उल्टा ही। ये आगे दो फंदों का एक फंदा बनाया था, यहाँ पर फिर से दो फंदों का एक फंदा, बाकी के फंदे उल्टे बनाएंगे। ये 11 फंदे हैं, ये सारे उल्टे उल्टे बनेंगे। लास्ट वाले दो फंदे सीधे, ए स्टिच भी सीधा है। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो है राइट साइड, ए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10 फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर से ये दो फंदों का एक फंदा बनाया, एक सीधा फंदा, फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसे भी सीधा बुनेंगे। ये हमारा सेंटर का फंदा जो है, इसके दोनों तरफ हम जाली डालेंगे, एक बार सीधी तरफ, एक बार उल्टी तरफ। धागा आगे करेंगे, जब सीधी तरफ डालना है तो इस साइड में हम एक बार इसके जाली डालेंगे। देखिए एक जाली बना दी, ये एक फंदा जो पहले हमने रॉन्ग साइड में बनाया था इसे सीधा बुन देंगे। ये उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बुनेंगे। ये देखिए फिर से डिज़ाइन रिपीट होगा। 10 फंदे सीधे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 फंदे सीधे। लास्ट वाले दो फंदों का एक फंदा, एक जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे, ये जाली डाल के बनाया था फंदा, इसे सीधा बुन लेंगे। धागा आगे, लास्ट वाले दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी थर्ड रो हो गई है। फोर्थ रो है रॉन्ग साइड, दो फंदे सीधे, धागा आगे, ये जाली डाल के बनाया था फंदा, इसे ऐसे सीधा बुन लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसके इस साइड में जाली डालेंगे, तो धागा पीछे करेंगे। चाहे आप ऐसे इसकी जाली डाल लें, चाहे धागा पीछे कर लें, ये देखिए, और इस फंदे को उल्टा बना लें। धागा पीछे रखेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जाली बन जाएगी। अब ये वाला फंदा जो सीधी साइड में हम जाली डाली थी, इसको उल्टा बुन लेंगे, एक पहले बनाई थी इसको भी उल्टा। अब ये देखिए ये दो फंदों का एक फंदा बना रहे हैं, इस साइड में भी ऐसे ही बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, फंदे उल्टे। दोबारा से डिज़ाइन रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इसे पीछे ही रखेंगे और ये वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। सेंटर वाला फंदा है, यहाँ पर हमारी जाली बन गई, ये दो फंदे जाली वाले उल्टे बुन लेंगे। अब दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक साथ बुनते हुए नौ फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, लास्ट वाला सीधा। ये फोर्थ रो हो गई है। फिफ्थ रो है राइट साइड। अब देखिए, अब मैं आपको हर बार ये इसका एक एक डिज़ाइन ही बताऊंगी, आगे फिर से इसका रिपीट होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम सारा देखेंगे तो बार बार। ये देखिए दो उल्टे फंदे, धागा पीछे, अब एट फंदे सीधे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। अब देखिए एक सीधा फंदा, एक उल्टा, दो फंदों का एक फंदा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और दो, ये सेंटर का फंदा है ये वाला, ये दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए ये वाला फंदा सीधा
सीधा बुनेंगे। अब ये वाले फंदे दो दो फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। धागा आगे, दो फंदे उल्टे। ये देखिए आगे सेम ऐसे ही रिपीट होगा ये डिज़ाइन। ये देखिए सिक्स रो है रॉन्ग साइड, दो फंदे सीधे, धागा आगे। ये देखिए ये जाली वाले जो भी फंदे हैं, एक और दो, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। और ये देखिए ये सेंटर में फंदा आ रहा है, अब इसके इस साइड में हम जाली डालेंगे, धागा पीछे रखते हुए जाली बनाएंगे। ये देखिए ये जाली बन गई और एक फंदा उल्टा बना दिया। आगे एक दो और तीन फंदे उल्टे। ये देखिए ये फंदे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसे रॉन्ग साइड में भी दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः और सात फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे। ये देखिए ऐसे ही आगे यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ये देखिए सिक्स्थ रो कंप्लीट हो गई है। सेवन्थ रो है राइट साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, सिक्स फंदे सीधे बुनेंगे। एक दो तीन चार पाँच और छः। ये देखिए एक सीधा फंदा, एक दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। आगे एक दो और तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा जाली डालते हुए सीधा बुनेंगे। एक दो तीन फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे। ऐसे ही सेम आगे बुनेंगे, छः फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच छः, दो फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे, एक दो और तीन। ये सेंटर का फंदा है, इस साइड में इसके जाली डालेंगे और आगे फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो और तीन, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, लास्ट वाला उल्टा। ये सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई है। एट्थ रो है रॉन्ग साइड, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक दो तीन फंदे उल्टे। ये देखिए ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसके इस साइड जाली डालेंगे, धागा पीछे लेते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और इसे उल्टा बुनेंगे। देखिए जाली डल गई और ये उल्टा बन गया। आगे के फंदे एक दो तीन और चार फंदे उल्टे, ये डिक्रीज़ कर रहे हैं इस फंदे को, तो दो फंदों का एक फंदा। एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो सीधे फंदे। फिर से एक दो तीन उल्टे फंदे, धागा पीछे, जाली डालते हुए उल्टा बुनेंगे। एक दो तीन चार फंदे उल्टे, दो फंदों का एक फंदा। एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो सीधे फंदे, लास्ट वाला भी सीधा ही। देखिए एट्थ रो कंप्लीट हो गई है। नाइन्थ रो है राइट साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक दो तीन और चार फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए एक सीधा, एक ये वाला फंदा, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक दो तीन चार फंदे सीधे बुनेंगे, अब जाली डालेंगे धागा आगे करके। ये देखिए यहाँ पर जाली नहीं बनानी है, पिछली साइड में बनाएंगे तो ये फोर फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आगे, दो उल्टे फंदे, धागा पीछे, एक दो तीन चार फंदे सीधे, दो फंदों का एक फंदा, फिर से चार फंदे सीधे, दो तीन और चार। धागा आगे करके देखिए जाली डालेंगे और यहाँ पर जाली नहीं बनानी है, एक दो तीन और चार फंदे सीधे, धागा आगे,
एक दो उल्टे फंदे स्टिच उल्टा। ये देखिए नाइन्थ रॉ हो गई है, टेंथ रॉ है रॉन्ग साइड, दो फंदे सीधे धागा आगे, एक दो तीन चार फंदे उल्टे धागा पीछे करके जाली डालेंगे, ये वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए जाली डल गई और फंदा उल्टा, एक दो तीन चार और पांच फंदे उल्टे, ये वाला फंदा डिक्रीज करेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। आगे एक दो तीन फंदे उल्टे धागा पीछे, दो सीधे फंदे धागा आगे, एक दो तीन चार फंदे उल्टे धागा पीछे करके जाली डालेंगे और ये वाला फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे बनाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक दो तीन फंदे उल्टे धागा पीछे, तीन दो फंदे सीधे, लास्ट वाला भी सीधा ही। ये देखिए टेंथ रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा ये एक साइड का डिज़ाइन ये वाला जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम इस साइड से ये वाला डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, फिर से इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करना है। ये देखिए दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे, अब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह फंदे सीधे धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर से पंद्रह फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। ये देखिए ये हमने इसकी सीधी साइड पंद्रह फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे निकाल लिए हैं, रॉन्ग साइड में पंद्रह फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे बना लिए हैं। आपने जब भी इसे स्टार्ट करना है तब भी आपने ऐसे ही नीचे से पंद्रह फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे बना लेने हैं, उसके बाद ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। ये देखिए टू रो हमने इसकी निकाल ली है, पंद्रह फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे, और रॉन्ग साइड में भी ऐसे ही पंद्रह फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे बुनकर हमने दो रो इसकी निकाल ली हैं। और फिर से ये डिज़ाइन हमारा फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा। ये इसकी 12 रो हो गई हैं, अब फिर से फर्स्ट रो से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, दो फंदे उल्टे। अब हमने जो लीफ इस साइड में बनाई थी अब इस साइड में ये वाली लीफ बनेगी। देखिए कैसे करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए अब जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे और ये वाले जो फंदे हैं इनको ऐसे टर्न कर लेंगे और धागा आगे रख के जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए फिर से आगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। दोबारा से डिज़ाइन रिपीट होगा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, पहले दो फंदे टर्न करेंगे और ऐसे लेंगे और धागा आगे रखते हुए जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा साथ में ही बनाएंगे। आगे के फंदे सारे सीधे बुन लेंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, लास्ट वाला उल्टा। ये देखिए फिर से फर्स्ट रो स्टार्ट हो गई है, सेकंड रो है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ
दस, 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने फंदा डिक्रीज़ करना शुरू किया है, अब इनको डिक्रीज़ करेंगे। ये वाला फंदा आगे लेकर आएंगे और इसको पीछे दोनों को ट्विस्ट कर लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब इस तरफ हमने जाली डाली थी, अब दूसरी तरफ जाली डालेंगे। देखिए एक दो फंदे उल्टे बना लेंगे धागा। अब धागे को अपनी साइड ही रखेंगे, आगे हमने सीधा फंदा बुनना है तो यहाँ पर हमारी ये देखिए जाली बन जाएगी। दो फंदे सीधे, फिर से डिज़ाइन रिपीट होगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 फंदे उल्टे बनाएंगे और दो फंदों को ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। आगे ये जाली वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, ये सेंटर का फंदा इसे भी उल्टा बना लेंगे। धागा अपनी साइड रखेंगे और आगे का फंदा सीधा है, यहाँ पर हमारी ये देखिए जाली बन गई और एक फंदा सीधा। ये देखिए ये हमारी सेकेंड रॉ है। थर्ड रॉ राइट साइड, धागा पीछे करेंगे। पहले हम पहले इस साइड में जाली बनाते थे, अब इस साइड में सीधी तरफ जाली बनाएंगे और रॉन्ग साइड में इस तरफ बनाएंगे। देखिए एक और दो फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये वाले फंदे डिक्रीज़ करेंगे, इसे टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे। ये देखिए ऐसे ही सेम आगे के फंदे बनाएंगे, धागा पीछे करके दो सीधे फंदे, धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसको टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा, बाकी के सारे फंदे सीधे बुनेंगे। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, दो फंदे सीधे, धागा आगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फंदे, नौ फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए आगे इस साइड से डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको ट्विस्ट करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक दो तीन फंदे उल्टे, अब इस साइड में हम जाली डालेंगे, धागा पीछे लेकर जाते हुए आगे का फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए ये हमारी जाली बन गई, हम धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा आगे नाइन फंदे उल्टे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ फंदे उल्टे, दो फंदे ट्विस्ट करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक दो तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करके जाली डालेंगे। लास्ट का दो फंदे सीधे। ये देखिए फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ रो है राइट साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। एक दो फंदे सीधे, ये सेंटर का फंदा भी सीधा, धागा आगे करके जाली डालेंगे। एक दो फंदे सीधे, टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फंदे सीधे, धागा आगे किया, दो फंदे
उल्टे, आगे सेम ही बुनेंगे। सिक्स और रॉन्ग साइड, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये देखिए सेवन फंदे उल्टे बना लेंगे, दो फंदे ट्विस्ट करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, आगे एक दो और तीन फंदे उल्टे, ये सेंटर का फंदा उल्टा, धागा पीछे करके जाली डालेंगे और अगला फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए ये जाली हो गई, एक फंदा और उल्टा, दो फंदे सीधे, धागा आगे करके सेवन फंदे उल्टे, दो तीन चार पाँच छः सात फंदे उल्टे, दो फंदे ट्विस्ट करेंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे, एक दो तीन फंदे उल्टे, सेंटर का फंदा उल्टा, धागा पीछे जाली डालेंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे, एक फंदा और उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, लास्ट वाला सीधा। ये देखिए सिक्स थ्रो कंप्लीट हो गई है। सेवन थ्रो है राइट साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक दो और तीन फंदे सीधे, सेंटर का फंदा सीधा, धागा आगे जाली डालेंगे, एक दो और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर से रिपीट करेंगे, एक दो तीन फंदे सीधे, सेंटर का फंदा सीधा, धागा आगे जाली डालेंगे, एक दो तीन फंदे सीधे, टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। एट थ्रो है रॉन्ग साइड, दो फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे बनाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, आगे एक दो तीन और चार फंदे उल्टे, सेंटर का फंदा उल्टा, धागा पीछे करके जाली डालते हुए एक दो तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, दो सीधे फंदे, फिर से पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार और पांच, दो फंदे ट्विस्ट करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार फंदे उल्टे, सेंटर का फंदा उल्टा, धागा पीछे जाली डालेंगे, एक दो तीन फंदे उल्टे, एक दो और लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए एट्थ रो कंप्लीट हो गई है। नाइन्थ रो है राइट साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक दो तीन चार फंदे सीधे, सेंटर का फंदा सीधा, धागा आगे करके जाली डालेंगे और दो तीन और चार फंदे सीधे बनाएंगे, टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक दो तीन और चार फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर से डिज़ाइन रिपीट होगा, एक दो तीन चार फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, सेंटर का फंदा सीधा, धागा आगे करके जाली डालेंगे, एक दो तीन और चार फंदे सीधे, टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक
दो तीन चार फंदे। ये देखिए 10th रॉ है रॉन्ग साइड, दो फंदे सीधे, एक दो और तीन फंदे उल्टे। दो फंदों को ऐसे ट्विस्ट करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सेंटर का उल्टा, धागा पीछे करके जाली डालेंगे और एक दो तीन चार फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, एक दो फंदे सीधे, एक दो तीन फंदे उल्टे, दो फंदे ट्विस्ट करके दो का एक फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, सेंटर का फंदा उल्टा, धागा पीछे जाली डालेंगे और एक दो तीन चार फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। ये देखिए 10th रो कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। फिर से सेंटर की दो रो हम सीधी ही निकालेंगे, 15 फंदे सीधे और 15 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये टोटल डिज़ाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिज़ाइन है वो टोटल 24 रो का डिज़ाइन है। आफ्टर 10 रो ये डिज़ाइन चेंज होता है, पहले इस साइड में ये वाला लीफ बनता है, फिर इस साइड में बनता है और सेंटर में इसकी दो रो सीधे सीधे निकलती हैं, 15 फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे के साथ में। और देखिए ये बनकर इस तरह से दिखता है, बार बार इसे रिपीट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों की फ्रॉक में, बच्चों के स्वेटर में, ये किसी में भी डालें, सभी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।